बैक माय ब्लॉग्स। और अभी आज है करवा चौथ। मैं आज क्या बोलते उपवास है ना, उपवास ना, पर हिंदी में तो उपवास ही बोलते ना, मैं फास्ट या उपवास उपवास कर रखी हूँ पति की लंबी आयु के लिए। और पति सोए हुए हैं और साथ में बेटी भी सोई हुई है, और मेरी मेहंदी बहुत अच्छी चढ़ी है। तो अभी फ़िलहाल मैं बैठी हुई हूँ और बज रहे हैं 2, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरत ड्रेस खरीद के लाई हूँ अपने आज लिए। आज का मेरा ड्रेस जो कि काजू अभी ऊपर रख रही है, उल्टा रख दी थी, इतनी महान औरत है ये। अब इसको सीधा कर रही है। तो मैं पहन रही हूँ लहंगा क्योंकि ये मेरे शादी का पहला करवा चौथ है। इसको बहुत दुखी हो रहा होगा आज, है ना, मन दुखी हो रहा है। मैंने नहीं व्रत किया, मैंने मुझे भी लहंगा आता। मेरा चूड़ा करवा चौथ के पूजा का सामान, और मेरे लहंगे का कलर मतलब मैच कर रहा था इस पे, तो मैंने इसको भी लिया। मतलब मैंने नहीं लिया, उन्होंने लाया, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, पिंक कलर, बेबी पिंक कलर। और ये है जो सुबह सुबह मुझे सरगई करने के लिए 4 बजे ही जगा दी। बहुत हेल्प की मेरा आज इसने, मुझे जगाने में बहुत हेल्प किया। अभी हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं और ये रही हमारी माता रानी। और थोड़ा सा मेकअप करें, थोड़ा नहीं बहुत सारा मेकअप करूँगी आज, क्योंकि आज मेरा पहला करवा चौथ है शादी के बाद, तो मैं बहुत सारा मेकअप कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से सुंदर से तैयार हो गई। और मेरी बहन मेरा पैर कलर कर रही है, ओ बहन आटा लगा रही है। अच्छा से सजाना, दिखा रहे कितना सुंदर लगा रही है, डिजाइन अगर बना दे ठीक है, कर दे ठीक कर दे ले। देख देख गिरा था। तो मैं अपनी बहन से भोजपुरी में बात करती हूँ, बाकी यहाँ लोग कोई भोजपुरी नहीं बोलता है ज़्यादा, इसलिए मैं इससे ही भोजपुरी में बात करती हूँ। मुझे का हो गए और सजा दे के अच्छा लगी, ऐसे कर दी था कर दे। पहली बार ऐसे करवाते शादी में भी सिंपल ही करते हैं। मैं पहन रही हूँ अपना मंगलसूत्र। आज मैं सोची गोल्ड ना पहन के डायमंड पहन, देखो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। करना ऊपर तो मैंने मेकअप कर लिया अपना, बस ब्लेसर लगाना है मुझे अपना। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और शाम भी हो गया है और मैंने पूजा वगैरह सब कर लिया। और ये है मेरा ड्रेस जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं इस ड्रेस को पहनने के लिए, ये मुझे एक नज़र में पसंद आ गया था। और इसका प्राइस मैं बता दूँ, ये मुझे 10,000 में पड़ गया और लेकिन मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने ले लिया इसको। मैं बोली छोड़ इसको ले ही लेते हैं, इसका बैकलेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। लेकिन जो भैया थे ना वो दुकानदार वाले, वो मतलब उनकी उनके पास से मेरे सारे ड्रेस आते हैं, तो मैं उनके ही यहाँ से ली। और ये एक लौता ड्रेस था जो डमी में था और एक नज़र में पसंद आ गया, मुझे लगा कि यही ले लेना चाहिए और पहली बार है तो थोड़ा सा सज धज के करवा चौथ को मनाना चाहिए। तो अभी चलती हूँ मैं किचन में और देखती हूँ क्या क्या बना है। काजू लेकिन अभी थोड़ा सा सोच में है कि जा इस बार मैं नहीं की, अगली बार पक्का एक जैसा लहंगा पहनेंगे ना।
कोको, हाय करो कोको, कोको मुझे पहचान ही नहीं पाएगा। ये रही मिली और बहुत ही तैयारी कर रहे हैं ये कि जैसे मैं व्रत खोलूँ ये मेरे लिए अच्छा अच्छा आज पकवान बना रहे हम नहीं बना रहे। क्या हुआ क्या हुआ, मतलब आज चल बना रही है ये बस आज आचल आलू हिल रही है। ये रही पिल्लो पिल्लो मेरी बहन और मैं आ गई हूँ छत पे और ये लोग थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं और पहले तो कोई नहीं कर रहा था लेकिन अभी ये लोग कर रहे हैं डेकोरेशन। और अभी मैं आई हूँ ऊपर चांद देखने की निकला है कि नहीं, लेकिन अभी तक तो कोई उम्मीद है मेरे देवर। और ये आज लाइन हाउस लग रहा है, अभी क्या बोलते हैं अरे उसको क्या बोलते हैं लाइन ढाबा लग रहा है रोड पर आदित्य की है अपने मन लग रहा है ढाबा।